हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर पोएम, दैट इज गार्डन स्नेक। तो बच्चों, आप लोग हमने जो है पढ़ा था कि किस तरह से गार्डन स्नेक के बारे में पढ़ा था, जिस तरह से पोएट ने बताया था जब वो एक जो है चाइल्ड थे, बच्चे थे, और किस तरह से उनके अंदर एक फियर था, एक डर था, और जब भी कोई स्नेक को देखते थे तो वो वहां से ही रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो क्या उनका जो है परसेप्शन चेंज हुए थे? क्यों हुए थे? क्योंकि उनकी मदर ने बताया था कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते, दे ईट ऑन द इंसेक्ट। क्या उनके परसेप्शन चेंज हुए थे? यस, ऑब्वियस है, उनके जो है परसेप्शन जो है चेंज हुए थे। बाद में उन्होंने रियलाइज करा था कि जो गार्डन स्नेक है ये उतना हार्म नहीं पहुंचाते हैं, और वो उनको जो है रास्ता देते हैं जाने के लिए। और देखा है हमने कि किस तरह से उनका जो है माइंड में, क्योंकि एक हमारी पिक्चर होती है कि सांप जो है क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट स्नेक्स दिखाए हैं, तो कुछ स्नेक्स जो है जैसे कोबरा है, या इनके नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आते हैं नहीं भाई ये है बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो हमने ये देखा था, आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन था, द पोएम इज अबाउट द वर्जन ऑफ पीपल एंड द पोएट्स मदर विद रिस्पेक्ट टू द डेंजर पोज बाय अ स्नेक। तो आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हैव यू एवर सीन अ स्नेक स्विमिंग इन द रिवर और गेटिंग इन टू अ होल और फाइटिंग विद द मंगूस। नेवले और सांप की लड़ाई जो है बहुत फेमस है, और जैसे आप लोगों ने मे भी जो है सुना होगा, और हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेज की कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज यहाँ पे यूज हुए। तो सिंपल सी पोम में थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड लेटर डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन। I saw a snake and ran away। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत सिंपल सी पोम है, और यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। Some snakes are dangerous and they say। तो दे जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, दे मीन्स पीपल, कि लोग कहते हैं, राइट। तो लोग क्या कहते हैं कि स्नेक्स क्या होते हैं, डेंजरस। बट उनकी मदर क्या कहती है? उनकी मदर ने उनका जो है माइंड जो पहले से जो है फिक्स था कि भाई स्नेक जो है डेंजरस है। बट एज हिज मदर उनको जो है टेल्स अबाउट द स्नेक कि कुछ स्नेक जो है दे ईट ओनली इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। तो यहाँ पे हिज फूड, हिम, ही, व्हाट जो है यूज हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी है बच्चों लिटरेरी डिवाइस? पहले भी मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया था, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट जो है हमने यूज करें किसके लिए, एनिमल्स के लिए, या जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है फॉर स्नेक, ही, हिज और हिम। नेक्स्ट यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या था बच्चों? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मीन्स आई सॉ ए स्नेक। तो एस कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है फर्स्ट लाइन में, या सम स्नेक, एस एस रिपीट हुआ है, तो ये क्या है हमारा अलिट्रेशन। तो दो जो है पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुए, अलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें जो है राइम स्कीम क्या है बच्चों, तो लास्ट वर्ड जो है आपको मार्क करके उसमें देखना है राइम स्कीम। ये अभी हम क्वेश्चन में भी करेंगे, ए ए बी बी सी सी एंड डी डी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और जैसे इसकी मदर बताती हैं कि कुछ स्नेक्स जो हैं दे ईट ओनली इंसेक्ट्स, तो उनका जो है माइंड चेंज हो जाता है। आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास एंड टेल माइसेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट ए हार्मलेस स्नेक। तो हियर इज एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। विगल्स मीन्स वेवरिंग, जो उनकी जिगजैग जो है मोशन होता है स्नेक्स का, उसको बोलते हैं विगल्स, राइट। एसाइड मीन्स ऑन अ साइड, कि किसी को रास्ता देना उसको बोलते हैं एसाइड होना, किनारे। द पोएट सॉ स्नेक एंड रन अवे इन फ्राइट, दिस वॉज बिकॉज ही हैड हर्ड पीपल से दैट
snakes are dangerous. On the other hand, his mother said that snakes are good for us because they eat up the insects. Thus, the poet decides that when he sees a snake crawling, he will give it. जैसे उसके मम्मी ने जो है मदर ने बताया तो उनका परसेप्शन जो है चेंज हो गया और वो बोलते हैं द पोएट डिसाइड्स दैट व्हेन ही सीज अ स्नेक क्रॉलिंग ही विल गिव इट वे एंड टेल हिमसेल्फ दैट द स्नेक इज हार्मलेस इट इज जस्ट अ गार्डन स्नेक व्हिच विल ईट अप द इंसेक्ट्स. तो ये बच्चों समरी है, ये क्वेश्चन आंसर्स है. क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे थे कुछ और जो बचे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये फॉर्म का जो एक्सप्लेनेशन और समरी ऑलमोस्ट सेम है. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूछा है कि वो लाइन पिकअप करनी है जिससे ये पता चल रहा है, अंडरलाइन करनी है या पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट द चाइल्ड इज अफ्रेड, डर लगता है उसे स्नेक से. तो फर्स्ट लाइन जिसमें लिखा है आई सॉ स्नेक एंड रैन अवे, तो ये लाइन जो है हमें बताती है कि चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक. नेक्स्ट लाइन है विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स स्नेक. तो सिंपल है, जब उसने बोला कि स्नेक्स क्या होते हैं, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, तो इससे पता चलता है कि उसका जो है माइंड जो है कंप्लीट चेंज हो गया. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? मदर इज रेफरिंग टू अ गार्डन स्नेक. मदर किसको रेफर करी है? गार्डन स्नेक को. नेक्स्ट इज, जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने राइमिंग स्कीम करी थी, तो कौन से वर्ड्स हैं जो राइम करते हैं? देर आर फोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम, से देम अलाउड. द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स कौन से? अवे से, गुड फुड ग्रास पास मिस्टेक स्नेक. तो ये वर्ड्स कहाँ पे है? पोएम अगर हम देखें तो पोएम में हमने मार्क करे थे पहले अवे से, गुड फुड ग्रास पास मिस्टेक स्नेक. तो कितने पेयर है? फोर पेयर हैं बच्चों जो पोएम में दिया है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस करे कि क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे, समरी डिस्कस करी, पोएटिक डिवाइसेस कौन से इसमें यूज हुए हैं पोएम में टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, और राइमिंग वर्ड्स कौन से वो भी अभी हमने डिस्कस करे. ओनली फोर पेयर्स हैं जिनसे हमारी राइमिंग स्कीम बनी है, ए ए बी बी सी सी एस डी डी. नाउ ये क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर जो है चूज करना है. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्पीकर रैन अवे बिकॉज ही सॉ. तो इट इज वेरी सिंपल क्योंकि फर्स्ट लाइन जो थी हमारी पोम की, आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे. कौन बोलता है? पोएट बोलते हैं. जब वो बच्चे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया. आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे. तो स्पीकर कौन है यहाँ पे? पोएट अपने यहाँ पे हिमसेल्फ. द स्पीकर रैन अवे बिकॉज ही सॉ अ स्नेक. ऑप्शन क्या क्या दिए हैं बच्चों? स्नेक, डॉग, वाइल्ड कैट. अच्छे है. तो ऑप्शन क्या दिए हैं? स्नेक दिया है, डॉग दिया है, वाइल्ड कैट. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, स्नेक. He is the speaker ran away because he saw a snake. Next question is the speaker ran away he to saw the snake because he did not like them. वहां से क्यों भाग गए? When the poet saw a snake, why he ran away? He did not like them. क्या उन्हें वो पसंद नहीं है? He knows that snakes are very dangerous. या उन्हें ये पता है कि snakes जो हैं बहुत ज्यादा डेंजरस है और इट लुक्स वेरी फ्राइटफुल. तो क्या इसका आंसर होगा बच्चों? तो बच्चों आप लोग माइक ले लीजिए और आंसर देने की कोशिश करें. तो इसको दोबारा करेंगे, आप लोग आंसर दीजिए. जैसी पंखो बच्चा माइक लीजिए. आप लोगों के पास अगर माइक है तो माइक ले लीजिए. ये आपके हनीकॉम बुक की लास्ट फॉर्म है. तो बच्चों अगर आपकी समझ में आ गया है तो माइक लेके आंसर दीजिए.
माइक लीजिए सर। गैसी पंखो, आपको आवाज आ रही है? हाँ इसको ओपन ओपन कीजिए ऊपर को। यस माइक ऑन कीजिए बेटा। उसको प्रॉपर ऊपर को स्लाइड कीजिए। हाँ, हो गया हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसी पंखो माइक लिया है बच्चे जिसने, तो आंसर दीजिए कि स्पीकर कब भाग गया था, किसको देख के भागा था, स्नेक को, डॉग को, वाइल्ड कैट को। माइक के कैमरे के सामने आ जाइए बच्चा, कैमरे के सामने आके बात कीजिए। मैम दूसरा वाला आंसर है। कौन से वाले, फर्स्ट का बता रहे हैं आप, सेकंड मैम दूसरे का, का? राइट उसमें पढ़ो इसको, री डेट ही नो ही नाउस नो दैट नो डेंजरस स्नैक्स आर वेरी नो दैट स्नैक्स डेंजरस आर वेरी डेंजरस। आर वेरी गुड, क्या नाम है बच्चे आपका, वेरी डेंजरस। मैम आपका रवि नाम क्या पाठक, है? रवि पाठक। रवि पाठक, वेरी गुड रवि रवि, पाठक। वेल डन रवि। यस मैम। रवि वेरी गुड रवि, वेल डन, योर आंसर इज राइट। अब दूसरे बच्चे को दे। अब इसको माइक को रखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिज मदर, अब यहाँ पे हिज मदर किसको बोला है, पोएट की मदर। हिज मदर सेज टू हिम अबाउट द स्नेक दैट, अब उसकी मदर ने जो है, पोएट की मदर ने जो है पोएट को क्या बताया था स्नेक्स के बारे में, दिस काइंड ऑफ स्नेक इज गुड, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्रिएचर, इट इज डेंजरस फॉर अस। क्या बताया था उसकी मदर ने कि इस टाइप के जो गार्डन स्नेक्स हैं कैसे हैं, वो गुड हैं, अच्छे हैं, या वो जो हैं इट शुड स्टे अवे, उनसे दूर रहें, या इट इज डेंजरस फॉर अस। क्या आंसर सही है बच्चों, कौन बताएगा, या इसी पंखों से कौन बताएगा आंसर? मैम इट इज डेंजरस फॉर अस। मदर ने क्या बताया था, मैम मदर इट ने, इज उनकी मदर, डेंजरस फॉर अस। मदर ने तो नहीं बताया था बेटा डेंजरस है, ये तो लोग कहते थे, आपने सुना नहीं ठीक से। व्हाट्स योर नेम, गुड ट्राई, क्या नाम है बच्चे? मैम कार्तिक कार्की। कार्तिक। और कोई आंसर बताएगा? दिस काइंड ऑफ स्नैक इज गुड। मैम यही आंसर। वेरी गुड, देखो रवि ने आंसर सही बताया है, उसकी मदर ने बोला था कि इस टाइप के जो हैं, तभी तो उसका माइंड चेंज हुआ था। कार्तिक समझ में आया मैम बच्चे? ठीक है, तो ये रवि ने आंसर यस मैम। सही दिया है, गुड वेल डन। तो दिस काइंड ऑफ स्नेक इज गुड। नेक्स्ट इज हिज मदर सेज दिस काइंड ऑफ गुड स्नेक्स ईट, अब जो उसकी मदर ने बताया था, अब किसी दूसरे, कार्तिक को दो, कार्तिक को, अभी इसने गलत बताया था, अब देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसकी मदर ने क्या बताया था कि ये वाले स्नेक जो अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, या माइनर क्रीचर्स खाते हैं, या इंसेक्ट्स खाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के बच्चों, हिज मदर सेज, उसकी मदर ने बताया था कि ये जो अच्छे स्नेक्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, या माइनर क्रीचर्स को खाते हैं, या इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इस आंसर इज, उसकी मदर ने कहा था ये अच्छे होते हैं क्योंकि ये क्या खाते हैं, दे ईट इंसेक्ट्स। क्लियर? तो बच्चों अभी जैसे अभी कार्तिक ने थोड़ा सा इसकी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टू लाइंस में लोग कहते हैं, दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, पीपल की, लोग कहते हैं स्नेक्स आर डेंजरस, कि स्नेक जो है खतरनाक होते, बट पोएट की मदर ने बताया था कि कुछ स्नेक जो है अच्छे होते हैं, जैसे गार्डन स्नेक,
क्यों होते हैं गुड? बिकॉज दे ईट इंसेक्ट. और इससे उनका माइंड जो है चेंज हो गया था. और किस तरह से उन्होंने बताया उसको, जो है जब भी वो गार्डन में या स्नेक को देखेंगे तो वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके माइंड में है कि ये हार्मलेस है. क्लियर? तो उनकी मदर ने जो स्नेक के बारे में बताया था, दे ईट इंसेक्ट, कीड़े खाते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन द स्नेक विगल. अब विगल का मतलब क्या होता है बच्चों? वेवरिंग. जब ऐसे करके चलता है स्नेक, जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था बच्चों, तो मीनिंग आपके समझ में आ जाएगा अगर आप पिक्चर को देखेंगे. तो वेवरिंग, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वेवरिंग. तो दिस इज कॉल्ड विगल. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? विगल कहते हैं कि एक एक्शन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वेव बना रहा है. That is why it is called wiggles. तो यहाँ पे पिक्चर से आपको क्लियर है, तो ये क्या कर रहा है? विगल. यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा हमारा, ये स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट. तो आप लोगों ने स्नेक सीखा होगा, उसके पैर नहीं होते, फीट नहीं होते, लेग्स नहीं होते, बट इट मूव्स वेरी फास्ट. क्यों करता है? कैन यू गेस हाउ? डिस्कस इन द ग्रुप. तो आप क्लास में जो है डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एक स्नेक है, इसके तो पैर भी नहीं है, फिर भी ये इतना तेज चलता है. तो स्नेक मूव्स फास्ट बिकॉज ऑफ द जिग जैग मूवमेंट. जैसे अभी पढ़ा था हमने, वीगल एक वर्ड यूज करा था, जिग जैग मूवमेंट से इतनी स्मूथ होती है स्केल्स जो है, बॉडी जो है मूवमेंट करती है. क्लियर? तो आप लोग घर में, स्कूल में जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं इन ग्रुप्स. तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द स्नेक विगल्स इन द ग्रास, द स्पीकर, स्पीकर ने बोला यहाँ पे कि जब कोई स्नेक विगल्स करता है, जिग-जैग मूवमेंट में चलता है, तो पोएट क्या करते हैं, स्पीकर क्या करते हैं, स्टैंड एसाइड एंड वॉच हिम टू पास. क्या वो साइड देते हैं उनको और देखते हैं उनको जाते हुए, या हाइड बिहाइंड द ट्री, या एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, हाइड मीन छिपना, या रन अवे टू हिज रूम, या वो अपने कमरे में छुप जाते हैं. तो क्या है बच्चों इसका आंसर? आप लोगों ने देखा होगा लास्ट लाइन में, लास्ट फोर लाइन में हमने देखा था कि पोएट का जो है माइंड जो है चेंज हो गया था, क्योंकि उनकी मदर ने बताया था कि सम स्नेक्स आर गुड. तो स्टैंड, तो इस आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट वन, स्टैंड एसाइड एंड वॉचिंग टू पास. तो उनका परसेप्शन जो है चेंज हो गया था और वो जो है उनको जाते हुए देख रहे थे. तो स्टैंड एसाइड एंड वॉचिंग टू पास, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. While the speaker watched the snake pass through the grass, he tell himself. तो जब उन्होंने देखा था कि एक स्नेक जो है जा रहा है, तो उन्होंने अपने आप से क्या कहा था? There is no mistake. It is just a harmless garden snake. क्या उन्होंने ये अपने आप बोला था? There is no mistake. कि ये जो एक harmless garden snake है, या ये बोला था? Don't fear. It's not harmful, dear. यह थर्ड बोला था, डू नॉट गो नियर टू द स्नेक, इट कैन बी वेरी हार्मफुल. कि इसके पास मत जाओ, ये बहुत हार्मफुल है. तो एग्जैक्ट जो उसने अपने आप से बोला था, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट आंसर. देर इज नो टाइम, नो मिस्टेक, इट इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. तो ऑप्शन ए जो है वन इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो मिस्टेक, इट इज जस्ट अ हार्म, सॉरी, ए स्नेक मूव इन अ स्ट्रेट वे. क्या सीधे चलता है? डायरेक्ट वे. और सर्पेंटीन, तो सर्पेंटीन का मतलब क्या होता है? वही जिग-जैग मोशन. तो स्नेक कैसा मूव करता है? क्या सीधे चलता है? आपने देखा कभी स्नेक को सीधे चलते हुए? हमेशा देखना है कि वो जिग-जैग मोशन में चलता है, अगर आपने देखा होगा, राइट? या डायरेक्ट वे, या सर्पेंटीन वे. सर्पेंटीन वे टेढ़ा मेढ़ा होके जिग-जैग मैनर में जो चलता है वे में. तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर. क्लियर? और स्नेक मूव इन ए सर्पेंटीन वे.
तो छोटी सी फॉर्म है और वेरी इंटरेस्टिंग है, जैसे अभी आपने देखा हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं और अब हम जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी आते होंगे सबको आंसर, क्योंकि छोटी सी एक पैरे की फॉर्म थी और हमने उसमें जो है डिस्कस करे हैं लिटरेरी डिवाइसेज जो है हमने डिस्कस करे। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू सी द स्नेक द स्पीकर इज गॉट एंग्शियस या फ्यूरियस या हैप्पी। तो एक स्नेक को देख के क्या हुआ डॉक्टर जो है स्पीकर क्या हुआ, एंग्शियस हुआ, उत्सुक हुआ या डर गया या बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो इसका मतलब इसका क्या है, फ्यूरियस। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो बच्चों समझ में आ गया है कि किस तरह से फर्स्ट का आंसर क्या है कि जब विगल करता है इन द ग्रास स्पीकर ने क्या करा। सब जो है पोम से है रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको करेक्ट आंसर उसमें से चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हेन द स्नेक विगल्स इन द ग्रास द स्पीकर स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम टू पास। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल द स्पीकर वॉच द स्नेक पास थ्रू द ग्रास ही सेड ही टेल हिमसेल्फ, ही टेल हिमसेल्फ मीन अपने आप से कहा, देयर इज नो मिस्टेक इट इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा क्या क्वेश्चन है, स्नेक मूव इन क्या सीधे चलता है। तो हमने देखा कि हमेशा जो स्नेक है इस तरह से चलता है, टेढ़ा जो है झिकझक मोशन में चलता है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सी द स्नेक स्पीकर इज गॉट, अभी स्पीकर कौन है यहाँ पे, पोएट हिमसेल्फ, एंशियस थे या फ्यूरियस, डर गए थे या बहुत ज्यादा खुश थे। तो आंसर इज योर फ्यूरियस। ये बच्चों क्या थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, अब बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर रन अवे सीइंग द गार्डन स्नेक। तो क्यों गया था बच्चों, भाग क्यों गए थे। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट टू लाइंस में आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे, कि मैंने सांप देखा और मैं भाग गया। तो क्यों भागा था, डर के मारे, ड्यू टू फियर, राइट। तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, द नरेटर थॉट। अभी हमने यहाँ थॉट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेट करके क्वेश्चन है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थॉट, द स्नेक टू बी डेंजरस। अब उनके माइंड में क्या था, एक लाइन और पड़ी थी, दी सेड स्नेक्स आर डेंजरस। तो उसे लगा कि स्नेक्स जो हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्नेक्स आर डेंजरस, तो उनके माइंड में यही था, नरेटर थॉट द स्नेक टू बी डेंजरस and out of fear he ran away. Next question is, what does a garden snake eat? तो अभी हमने पढ़ा था कि garden snake क्या खाते हैं बच्चों, insects. A garden snake survives on insects. ये आप simple भी लिख सकते हैं, eats. But mother says that kind is good. What's mother referring to? किसको रेफर करी है, तो ऑब्वियस है किसको रेफर करी है बच्चों, गार्डन स्नेक को। इन द अबव लाइंस मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मदर टेल द पोएट टू डू व्हेन ही सीज अ स्नेक। तो मदर ने क्या बोला था कि अगर तुम कोई सांप को देखोगे तो आपको क्या करना है। तो मदर टेल्स द पोएट टू स्टैंड Aside and let the garden snake wiggles means run away या जाने दें उसे। Clear? Next question है, what was the poet's first reaction when he saw the snake? तो पहला reaction क्या था बच्चों? Poet का reaction पहला क्या था, when he saw the snake? जब उसने पहली बार जो है snake को देखा था, तो first reaction क्या हुआ था? He ran away. When the poet saw the snake the first time, He just ran away. वो वहां से भाग गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज द पोएट स्केयर्ड ऑफ द स्नेक्स। क्यों स्केयर्ड करा था, क्यों डर गया था, द पोएट वॉज स्केयर्ड
ऑफ द स्नेक बिकॉज पीपल, क्योंकि लोगों ने क्या बोला था कि स्नेक्स कैसे होते हैं, डेंजरस. तो बिकॉज पीपल हैड टोल्ड हिम दैट स्नेक्स आर डेंजरस, कि स्नेक्स जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, इसलिए वो जो है उनसे डर गया. तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी है. आई होप जो है आप लोगों को भी आते होंगे क्वेश्चन, तो समझने की कोशिश करें. जैसे अभी एक बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि स्नेक डेंजरस है, जैसे उसकी मदर ने बताया था तो उसका जो है ओपिनियन जो है चेंज हो गया था, कि उनकी मदर ने जिस तरह से बताया था कि कुछ स्नेक्स जो हैं कैसे होते हैं, गुड होते हैं, गुड काइंड के होते हैं, और वो ओनली दे ईट इंसेक्ट, राइट. पहले क्या था उसका, पहले क्या ओपिनियन थे कि स्नेक्स जो है डेंजरस हैं. क्यों थे उसके ऐसा विचार, क्योंकि लोगों ने जो है एक बात करी थी, वही हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, हमें भी लगता है भाई हाँ स्नेक्स जो है डेंजरस हैं. बट अब आपको पता चल गया होगा थ्रू दिस पोम कि स्नेक्स जो है, कुछ स्नेक्स जो है क्या होते हैं, गुड, अच्छे भी होते हैं, राइट. तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस करें. नेक्स्ट इज हाउ आर सम ऑफ द स्नेक्स, सम स्नेक्स आर डेंजरस, वो जो है कहते हैं ना कि जहर अगर पॉइजन चला जाता है स्नेक का तो उसकी डेथ हो जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए कि उस जगह पे जहाँ पे उसने जो है बाइट करा है वहां पे क्या करें, एक कपड़ा जो है बांध दे जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, और उसके बाद जो हमें फर्दर ट्रीटमेंट करनी चाहिए. तो ये नहीं है कि सारे स्नेक्स खराब होते हैं, कुछ, सम स्नेक्स आर डेंजरस, क्लियर. व्हाट डज स्नेक ईट, अब ये सबके बारे में नहीं बताया, कुछ स्नेक्स के बारे में बताया कि सम स्नेक ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर फूड. हाउ डज द पोएट सी द स्नेक, पोएट ने कैसा सांप देखा था, तो उसने यहाँ पे पोएट सीज. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डज है तो एस और ई एस लगाना है वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. अगर क्वेश्चन डज करके है और अगर क्वेश्चन आएगा आपका डिड करके, तो आपको क्या लगाने है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्लियर. तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है. स्नेक ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर फूड. हाउ डज द पोएट सी द स्नेक, द पोएट सीज द स्नेक, क्या कह रहा था बच्चों, विगलिंग, विगलिंग इन द ग्रास या विगल्स इन द ग्रास, मूवमेंट कर रहा था जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लहराते हुए जा रहा था वो, वेवरिंग करता हुआ, क्लियर. ही स्टैंड्स असाइड एंड वॉचेस हिम पास, दिस वर्ड इज योर पास, और वो जो है साइड देके उनको देख रहा था कि एंड वॉचेस हिम पास, जाते हुए देख रहा था कि किस तरह से वो वेवरिंग करता हुआ जा रहा था या विगल करता हुआ जा रहा था. देयर इज अ फ्रेज, अ स्नेक इन द ग्रास. अब यहाँ फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो है एक कह सकते हैं ग्रुप, उसको बोलते हैं फ्रेज. तो यहाँ पे फ्रेज क्या है, ए स्नेक इन द ग्रास, राइट. तो इससे आपको क्या पता चलता है, वॉट डस इट मीन, द फ्रेज अ स्नेक इन द ग्रास कन्वेज द आइडिया अबाउट द पीपल. क्या आइडिया है, हु आर इन नेचर एंड शो देमसेल्व टू बी फ्रेंडली, आर डियर इन नेचर बट शो देमसेल्व टू बी फ्रेंडली. तो यहाँ ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब है क्या है कि इसका मीनिंग क्या है कि कुछ स्नेक्स जो हैं क्या होते हैं, इन नेचर दे आर गुड इन नेचर एंड शो देमसेल्व्स टू बी फ्रेंडली, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोएट्स मदर, अ पोएट की मदर आस्क्स हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द गार्डन स्नेक, व्हाई. अब जो पोएट की मदर है उन्होंने उनको क्या बताया था कि जो गार्डन के स्नेक है आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड. क्यों कहा था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि दे आर हार्मलेस,
ईट ओनली स्नेक्स, इसलिए उन्होंने उनको बोला था कि प्लीज आप जो है इनसे डरे नहीं, उनको साइड दें और लेट देम पास. द पोएट्स मदर सेज सो बिकॉज पोएट सॉ ए स्नेक इन द गार्डन, क्योंकि पोएट ने जो है, ये सबकी बात है जब उनका जो है चाइल्डहुड है, बचपन है, बच्चे थे, सबकी बात है. When he saw, the poet saw a snake in the garden, seeing it, he ran away in fear. और वो जो है, जब उन्होंने अपने गार्डन में घूमते घूमते जो है एक स्नेक देखा पोएट ने, और वो उसको देख के जो है भाग गए थे. क्यों भाग गए थे? When he saw a snake, he ran away because people told him that snakes are dangerous. क्योंकि लोगों ने उन्हें कहा था कि इनसे बचे रहना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, राइट? तो पोएट ने क्या बोला था, और जब उसकी मदर ने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि एक दिन जो है पोएट ने एक स्नेक देखा था इन द गार्डन एंड ही रैन अवे, सीइंग इट रैन अवे इन फियर, डर के मारे जो है वो वहां से भाग गए थे. हिज मदर न्यू दैट, अब उनकी मदर जो है उनको पता था कि स्नेक्स वर नॉट हार्मफुल, कि जो गार्डन के स्नेक है उनकी मदर को पता था, ही न्यू इट वेरी वेल, कि ये जो है ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं. They were good and harmless. किसको पता था बच्चों? ये poet की mother को. So she asked the poet not to be afraid of snake. इसलिए उन्होंने बोला था कि poet को बोला था author जो हम poet हैं इसके कि not to be afraid of snake. कि snake से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि snake जो garden snakes होते हैं ये कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, हार्मलेस होते हैं, एंड दे ईट ओनली इंसेक्ट्स. क्लियर? तो कोई भी आंसर देते हैं बच्चों, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन की मीनिंग देखें और क्या पूछना चाहते हैं क्वेश्चन में. जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप लोग जो है इट इज नॉट इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि अरे हम क्या लिखे. So try to understand the meaning of the question, then give the answer. Clear? Now let's see the next question. Why is the child comfortable when he see garden snake next time? अब बच्चों क्या होगा इसका आंसर? कि क्यों comfortable feel कर रहा था? अब की बारी क्यों नहीं भागा? Why he will not run away from that place? क्यों नहीं भागा वो? क्योंकि उनकी मदर ने बताया कि जो स्नेक गार्डन है, सॉरी स्नेक गार्डन स्नेक है, वो कैसे होते हैं? गुड होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दे ईट ओनली इंसेक्ट्स, इनसे डरने की जरूरत नहीं है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज स्नेक्स या गार्डन स्नेक. बट पहले क्या करते थे पोएट, वो जैसे ही किसी स्नेक को देखते थे तो वहां से क्या करते थे, ही रन अवे. Whenever he saw, जब भी उनको दिखता है या दिखा कोई भी, when he saw a snake, he ran away from that place. Clear? But this time, वो नहीं भागे क्योंकि उनकी मदर ने बताया था कि गार्डन स्नेक जो है अच्छे होते हैं, गार्डन स्नेक वर नॉट हार्मफुल, दे वर गुड एंड फ्रेंडली और हार्मलेस. When the child sees the snake for the first time, he is scared, but on being told by his mother that every snake is not dangerous, child becomes comfortable. The next time when he comes across a snake in the garden, he does not run away. तो वो वहां से क्यों भागेगा? क्योंकि उसे पता चल गया कि सारे snake dangerous नहीं होते. तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई स्नेक दिखे तो आप बोले नहीं हमने तो पोम में पढ़ा था कि हार्मफुल नहीं है ये, और आप जो है उसके साथ खेलने लगे. बट नहीं, कीप डिस्टेंस फ्रॉम एनी स्नेक. कोई भी स्नेक है या कोई जानवर है, कोई इंसेक्ट है, तो उसे दूरी बना के रखें. अननेसेसरी उनको टीस ना करें, छेड़े ना, अदरवाइज जो है वो आपको हार्म नहीं करेंगे. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोम. तो बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम. तो हमने किस तरह से यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है डिस्कस करे थे, राइम देखी थी कि इसमें राइम स्कीम कौन सी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. आई होप
आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने आंसर्स देने की कोशिश करी है, अच्छे राइट आंसर्स दिए। पंकु स्कूल के जो है रवि है बच्चा और कार्तिक ने कोशिश करी है आंसर देने की और राइट आंसर्स भी दिए हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आप जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, जो भी पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दें और नेक्स्ट टाइम सारे बच्चे जो है ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।